नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और सपनों की पूरी सटीक जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर सपने की आपको सटीक और सही जानकारी मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे सपने में सर्प को देखना यानी सांप को देखना। देखिए, सपना डिपेंड करता है आपने किस प्रकार का सपना आपको आया है, किस प्रकार का सपना आपने देखा है। अगर सपने में बार बार आपको सांप दिखाई देते हैं, बार बार दिखाई देते हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो। तो इसलिए पहले अपनी कुंडली चेक अवश्य चेक करवाएं, कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है। और काल सर्प दोष अगर है तो उसके निवारण के उपाय किए जाएँ और डेली शिवजी पर जाया करें। तो अगर डेली आपको सांप दिखाई देते हैं तो हो सकता है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो। और दूसरा, अगर आपको सांप कभी कभी दिखाई देते हैं या कोई भी पहली बार दिखाई दिए हैं या कुछ अचानक से दिखाई दिए हैं, तो हो सकता है आपको धन लाभ हो। ये एक शुभ सपना है। अगर आप काला रंग का सांप देखते हैं तो आपको धन लाभ होने वाला है। अगर आप सांप का कोई बच्चा देखते हैं छोटा, तो हो सकता है एक आप किसी मुसीबत का आपको पहले से ही आभास हो जाए, ठीक है। और अगर आप सांप को बिल में जाते हुए देखते हैं तो ये भी एक शुभ सपना है। आपका कोई लॉटरी या कोई अचानक से धन आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप सांप और नेवले की लड़ाई देखते हैं तो हो सकता है आपको सरकार की तरफ से कोई नोटिस आए या कोई लड़ाई झगड़े, कोई मुकदमा आपके ऊपर हो सकता है, इसे रिकॉर्डिंग कुछ हो सकता है। तो सांप को विभिन्न अवस्थाओं में देखना, और इनका रिजल्ट भी विभिन्न अवस्थाओं में आता है। आप डिपेंड करता है आप किस प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं, तो उसका उस नज़रिए से उसको देख के ही उसका अंदाज़ा लगाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सपना, हर देखिए हर इंसान का सपना अलग अलग होता है, किसी को किस सपने में आता है, कोई संदेश किसी को किस तरफ से आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।